मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 12 हिंदी साहित्य घनानंद। घनानंद है ये रिद्धि काल के रिद्धि मुख काव्य द्वारा की कवि बताए गए हैं। घनानंद का जन्म 1746 में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह है रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानंद कौन थे तो ये रिद्धि काल के रिद्धि छंद काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद का जन्म 1746 में हुआ। ये दिल्ली के जो बादशाह थे रंगीले मीर मुंशी के क्या थे मोहम्मद साहब रंगीले के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि दरबार में एक नर्तन थी, नर्तकी का नाम था सुजान। घनानंद सुजान से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। एक दिन राजा ने मनोरंजन के लिए वहां एक बैठक बुलाई थी जिसमें घनानंद सारे दरबारी मंत्री टोटल बैठे थे और नर्तकी सुजान भी थी। अब नर्तन की सुजान नाच गायन कर रही थी। तभी जितने भी मंत्रीगण थे उन्होंने सोचा कि राजा अब घनानंद से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि दरबार का जो आय व्यय का लेखा जोखा था वो किसके पास था, घनानंद के पास था। और जब आय व्यय का लेखा जोखा होता है तो पैसा किसी के पास होता है, तो नर्तन की थी सुजान, वो पैसे की लालची थी तो घनानंद से वैर भी कर रही। एक दिन ऐसा बताया जाता है कि जो वो सभा हो रही थी उसमें नर्तन की सुजान नाच रही थी। राजा बड़ा खुश था नर्तन की सुजान को देख करके, एंजॉय कर रहा था। सबके सब मंत्रियों ने सलाह मशुरा की कि आज बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, आज अपन कवि राजा के सामने पेश कर दें कि घनानंद है वो सुजान से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अब राज दरबार में बैठे मंत्रीगण सब ने कहा कि साहब जो अपने घनानंद है ये भी बहुत अच्छे से गा लेते हैं। तो राजा ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि घनानंद भी गा लेते हैं। अब जो है घनानंद चलने लगा तो घनानंद ने कहा
बोली मैं जाने वाली नहीं हूँ, मेरा क्या मतलब है तेरे साथ जाने का। तो उसने कहा कि तेरी वजह से तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तेरे से प्रेम नहीं करती हूँ। बेशक तू करता होगा मुझे पता नहीं इस चीज का, लेकिन मैं नहीं करती, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। इस बात से यह जाहिर होता है कि नर्तकी थी वो हृदय से प्रेम नहीं करती थी, घनानंद की धन दौलत और वैभव शान शौकत से प्रेम करती थी। उसको पता था कि इसको राजा ने देश निकाला दे दिया, भटकी का इसके पास क्या है खाने के लिए, और जब ये सब कुछ खाने पीने के लिए रहने के लिए धन दौलत नहीं है तो मैं क्या करूँगी पीछे जाके। अगर हृदय से प्रेम करती तो शायद ऐसा ही मुझे चली जाती। तो देखो कवि परिचय घनानंद का, कवि परिचय गरीब काल के व्यक्ति मुक्त तो रीति काल के व्यक्ति मुक्ति या सौछत काव्यधारा के कवि थे घनानंद का जन्म 1786 ईस्वी में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह दरबार की एक नर्तकी सुजान से इनका अटूट प्रेम था। अटूट प्रेम था
किसके प्रेम के कारण? मुंशी राजा से बेदर्दी कर बैठा। बेदबी कर बैठा आगे इसी के लिए, जिससे नाराज होकर राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान को साथ चलने के लिए ये कहा, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। लेकिन सुजान ने मना कर दिया। आगे देखो तो देखो गनान का कवि परिचय। रीतिकाल के रीतिमुख के असल छंद काव्य धारा के कवि थे। गनान का जन्म 1746 ईस्वी में हुआ। यह दिखने के बाद सामुआमा या मोहम्मद साहब दिखने के मीर मुंशी के पद पे थे। दरबार के एक मंडप की सुजान से उनका प्रेम था। उसी के प्रेम के कारण मुंशी राजा से बेअदबी कर बैठा, जिससे नाराज होकर राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। गनान ने सुजान को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने क्या कर दिया, मना कर दिया। वो हिम्मत के साथ चलने वाले नहीं हो, क्योंकि वो युद्ध से नहीं धन दौलत से प्रेम करती थी। आगे देखो, जो ही राजा ने उसको देश निकाला दिया तो घनानंद कहां चले गए, वृंदावन चले गए। राजा ने उसको देश निकाला दे दिया और घनानंद कहां चले गए, वृंदावन चले गए। और निम्बार संप्रदाय में दीक्षित हो गए। निम्बारक संप्रदाय में देखो क्या था, निम्बारक संप्रदाय में विकसित हो गए। वे एक भक्त के रूप में जीवन यापन करने लगे। वे एक भक्त के रूप में जीवन यापन करने लगे, लेकिन लेकिन सुजान को नहीं भूल पाए।
प्रतीकात्मक करते हुए रचनाएं रची। इन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान को प्रतीकात्मक करते हुए रचनाएं रची। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई गई है, जिनमें कौन कौन से हैं जिनके ग्रंथों की रचनाएं वो हैं, जिनमें सुजान सार, विरह लीला, सुजान सार, विरह लीला, कोक सार, रस केली, सुजान सार, विरह लीला, कोक सार, रस केली, रस केली वल्ली आदि पद। ये था भाई घनानंद का कवि परिचय। देखो बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। घनानंद है ये कौन थे? तो घनानंद रीति काल के रीति मुख या सौक्षण काव्य धारा के कवि बताए गए हैं। कवि घनानंद का जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था। कवि घनानंद है ये जो राजा दिल्ली का जो राजा था मोहम्मद शाह रखे उनके मुंशी के पद पर कार्यरत थे। वहां एक दरबार में नर्तन की थी जिसका नाम सुजान था और घनानंद सुजान से बहुत ज्यादा प्रेम करते। सुजान ने घनानंद से प्रेम करती थी लेकिन बाद में पता चला कि सुजान घनानंद से हृदय से नहीं धन दौलत से प्रेम करती थी। और एक बार जब राजा ने नर्तकी को नाचने के लिए कहा तो जो ही वो नर्तकी नाच रही थी तो घनानंद की तरफ मुंह करके नाच रही थी। वहां दरबार में उपस्थित मंत्री और अन्य सदस्य गण ने कहा कि राजा आपका जो सर्वश्रेष्ठ मुंशी के पद पर जो घनानंद है उसको भी क्या है गायन आता है। तो राजा ने घनानंद को गायन गाने के लिए कहा लेकिन घनानंद ने उसको मना कर दिया राजा को। लेकिन कहा जाता है कि जब सुजान नर्तकी ने घनानंद को गायन के लिए कहा तो उन्होंने गाना स्वीकार कर लिया और उसी दिन से राजा ने उसको दरबार से निकाल दिया और वो जो घनानंद था वो भक्त होकर के वृंदावन में जाकर के निंबार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वहाँ अनेक रचनाएं रची। उनमें इनके 41 जो ग्रंथ हैं वो माने गए हैं। इनकी रचनाओं में